खेसारी जी भी सुन रहे होंगे, आज मैं रिवील करती हूँ खेसारी जी, क्योंकि आप भी बहुत बोलते रहते हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। मैं बॉम्बे सारे में गया तो हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूंगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहाँ से लेके आ गया। आज आप लोग के प्यार से वही रानी चटर्जी खेसारी से काम करने के लिए कहते हैं कि अच्छा है कोई सिनेमा किया जाए। जो उन्होंने स्टेज पे कहा है वो झूठ है। कभी एक बार मैंने कॉल किया है खेसारी जी को कि खेसारी जी मुझे आपके साथ फिल्म करनी है। मैं बोल ही नहीं सकती खेसारी क्या, निरहुआ हो, रवि किशन हो या पवन सिंह हो, नो किसी को नहीं बोला है कभी, क्योंकि मेरा जोन ही नहीं था उनके साथ फिल्म करना। मैं अपनी सोलो फिल्में करती थी। बट ये तो तय है कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया होता तो खेसारी जी नागिन में कभी कास्ट नहीं हो पाते मेरे साथ। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि खेसारी तो बोलता है कि रानी चटर्जी तो बुढ़िया लगती है। तो इस रिप्लाई पर मैंने कहा था कि वो अभी अपनी एक बार शक्ल देख लें। और खेसारी जी के ये शब्द थे, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ कि सवेरे रानी चटर्जी और मोनालिसा के साथ शूटिंग करनी। एक सवाल रहेगा आपसे, आपसे ही जुड़ी है खेसारी लाल यादव जी, कहीं भी स्टेज शो या फिर मतलब बहुत जगह आप क्या चर्चा किए हैं कि रानी जी के साथ जब मेरा फिल्म का डिमांड आया था तो रानी जी ने इनकार कर दिया था मेरे साथ फिल्म करने को, ये मैंने कितनी सच्चाई है? ये बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल करके, क्योंकि मैं अक्सर सोचती थी कि कोई तो मुझसे पूछे इस बारे में, क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, खेसारी जी का, और कहीं उनके जो फैंस हैं उन लोगों ने मुझे बहुत टारगेट किया उसके लिए। जी जी, बहुत टारगेट किया, बहुत रील बने, बहुत वीडियोज बने, और मैं सी वे सोचती, मैं मुस्कुराती कि ओके। और मैंने खेसारी जी से बात भी की इस बारे में कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि अरे वो मुँह से हमारे निकल गया। एक दो बार निकले तब ना, हाँ, बहुत बार निकला है। तो सच्चाई ये है, मैं बताती हूँ, 2012 की बात है जी। नागिन फिल्म बन रही थी, मैं खेसारी जी को ना एज अ सिंगर जानती थी और एज एन एक्टर तो उनकी वो शुरुआत ही थी, एक कोई एकाध कोई फिल्म आई थी, और एज अ सिंगर भी मैं उनको बहुत नहीं जानती थी। तो नागिन फिल्म राजकुमार पांडे जी बना रहे थे 2012 और जून में वो शूट होनी थी, तो तैयारी चल रही थी उसकी, और चूँकि नागिन टाइटल है तो समझ सकते हैं कि मेरा ही रोल होगा उसमें, उसमें हीरो का रोल बहुत कम था। तो राज जी ने कहा कि राजकुमार सर ने कि किसको हीरो रखा जाए, सोच रहा हूँ कोई नया ही हीरो हो क्योंकि रोल भी बहुत कम है। मैंने कहा सर आपको जो बेटर लगे आप रखिए। फिर उन्होंने बात की, बंगाल के एक एक्टर हैं जीत, आप लोग अगर बंगाली फिल्में देखते होंगे तो जीत बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ के, तो उन्होंने बात की जीत से कि ऐसी सी फिल्म है और 10-12 दिन के ही डेट्स चाहिए। तो जीत का मुझे कॉल आया कि रानी आई एम सो सॉरी, मैं लद्दाख में शूटिंग कर रहा हूँ और मैं नहीं आ पाऊँगा, और हमारी शूटिंग को कुछ 10-11 दिन ही बचे थे। तो मैंने राजकुमार जी से बात की, सर ने कहा कि हाँ पता चला डेटों का प्रॉब्लम है, देखता हूँ मैं किसको कास्ट कर सकता हूँ। फिर राज जी ने मुझे कुछ 4 या 5 दिन पहले कॉल किया, मुझे अभी तक डेट भी याद है, कुछ हम लोग 12 जून से शूट करने वाले थे, तो कहा कि एक सिंगर है, नाम लिया उन्होंने, खेसारी लाल यादव नाम है, एक सिंगर है और सोच रहा हूँ उसी को कास्ट कर लूँ, एक आध दो फिल्में आई हैं, और चूँकि 5 दिन ही बचे थे तो ना मैंने पूछा कि कौन है क्या है, दिखाई कुछ भी नहीं। मैंने कहा सर आपको जैसा बेटर लगे आप कर लीजिए। एक बात तो तय है जो आज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैंने ये बोल दिया होता राजकुमार पांडे जी से कि किसी नए लड़के को मत लीजिए, जो काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को लीजिए, वो कभी किसी नए लड़के को मेरे साथ कास्ट नहीं करते। उसके बाद जब मैं शूटिंग पर पहुँची तो खेसारी जी का 2 दिन के बाद से शूट होना था मेरे साथ। खेसारी जी भी सुन रहे होंगे, आज मैं रिवील करती हूँ खेसारी जी, क्योंकि आप भी बहुत बोलते रहते हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। तो मुझे याद है जिस दिन, नागिन में एक गाना है, बड़ाई कर लूँ बड़ा बड़ाई कर लूँ, उसी गाने से खेसारी जी और मैं साथ में शूट करने वाले थे, साथ में मोनालिसा भी थी। वही पहला दिन मैं खेसारी जी से मिली हूँ, और जैसे मैं तो नए एक्टरों के साथ फिल्में करती ही थी, तो वैसे ही अच्छे से हेलो हाय राजकुमार जी ने मिलाया, मैं मोनालिसा उनसे मिले, और खेसारी जी के ये शब्द थे, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ कि सवेरे रानी चटर्जी और मोनालिसा के साथ शूटिंग करनी है।
तो हम दोनों ने कहा अरे कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, अरे टेंशन की क्या बात है। तो ये है स्टोरी नागिन फिल्म की। और खेसारी जी ने, उनको बोलने की बहुत आदत है, वो बोलते रहते हैं, बट ये तो तय है कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन लिया होता तो खेसारी जी नागिन में कभी कास्ट नहीं हो पाते मेरे साथ, अगर ऑब्जेक्शन लिया होता तो उनका जो उन्होंने एक स्टेज पर कहा है वो झूठ है। अच्छा, ये बात काफ़ी सच्चाई पता चल गया मैम बताएं। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ था जी। शूटिंग के बाद ही एक प्रोड्यूसर हैं जो अभी है नहीं इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा कि खेसारी लाल बोलते हैं कि क्योंकि नागिन के बाद खेसारी जी के पास भी बहुत फिल्में आ गई थी, वन ऑफ द सुपर ब्लॉकबस्टर हिट उनके करियर की है वो नागिन जी। तो क्या होता है जब कोई जोड़ी हिट होती है तो लगता है कि जोड़ी को साथ में बहुत फिल्में मिलेंगी, पर आपने देखा होगा मेरी सबके साथ फिल्में हिट हैं, बट रेगुलर मैंने किसी हीरो के साथ काम नहीं किया, क्योंकि कौन सी जोड़ी हिट है वो अब लोग खुद समझ जाते हैं कि कौन सी जोड़ी हिट रेगुलर जाती है, फिल्मों की हिट जोड़ी रेगुलर नहीं जाती है। तो कोई फिल्म की बात चल रही थी, उसमें खेसारी थे, तो सर प्रोड्यूसर ने कहा कि खेसारी तो बोलता है कि रानी चटर्जी तो बुढ़िया लगती है। तो इस रिप्लाई पर मैंने कहा था कि वो अभी अपनी एक बार शक्ल देख लें। तो मे बी खेसारी जी ने ये सुना होगा बाद में उस प्रोड्यूसर के मुँह से, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया होगा, लेकिन उन्होंने सरासर झूठ बोला है मंच पे, सरासर झूठ बोला है। और हमेशा बोलते भी रहते हैं। हाँ, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात वो करते हैं कि रानी चटर्जी ने मुझे रिजेक्ट किया था और अब रानी चटर्जी खुद चाहती हैं फिल्म करना। खेसारी लाल जी कभी भी मेरे साथ अगर इंटरव्यू करेंगे, मैं डेफिनेटली उनसे बोलूँगी कि आप बोलिए। कभी एक बार मैंने कॉल किया खेसारी जी को कि खेसारी जी मुझे आपके साथ फिल्म करनी है, मैं बोल ही नहीं सकती। खेसारी क्या, निरहुआ हो, रवि किशन हो या पवन सिंह हो, नो, किसी को नहीं बोला है कभी, क्योंकि मेरा जोन ही नहीं था उनके साथ फिल्म करना। मैं अपनी सोलो फिल्में करती थी, मेरी एक्शन फिल्में होती थी, उसमें हीरो के बहुत कम रोल होते थे, तो इसीलिए ना उनके पास ऑफर जाता था ना मेरे पास उनकी फिल्मों का ऑफर आता था, क्योंकि उनकी फिल्मों में हीरोइनों का रोल बहुत कम होता था। फिर भी ये ऐसी बातें करते हैं खेसारी जी। तो भाई, आपकी ऑडियंस है, खेसारी जी की ऑडियंस, मैं आप सबसे कहूँगी कि खेसारी जी को बोलने की थोड़ी आदत है, वो बोल देते हैं, जग जाहिर हो कितना बोलते हैं।